Hello everyone and welcome to Achieve IAS. My name is Akash Vijayan और आज है 22 दिसंबर 2020। आज नेशनल मैथमेटिक्स डे भी है, ठीक है। तो आप सब अच्छे से कुछ ऐसा जरूर करें जिससे कि नेशनल मैथमेटिक्स डे को आप लोग मेमोरेबल बना सके, ठीक है। तो हम यहाँ पर हैं आज फिर से द हिंदू की एनालिसिस के लिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए द हिंदू की एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आर्टिकल आपका सबसे फ्रंट पेज का है, द हाउस पैनल मूव्स लो टू कीप अ चेक ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। एक ऐसा लो लेकर आने की बात इसमें चल रही है, एक ऐसा पब्लिक हेल्थ एक्ट लाने की बात चल रही है जिसमें गवर्नमेंट जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर एक चेक रख सके, एक जो है रेगुलेशन उनका कर सके, ठीक है। कि मतलब आपको पता है कि अभी कोरोना की महामारी चल रही है, पैंडेमिक, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि आपने बहुत सारी न्यूज आपने ऐसी सुनी होंगी जिसमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है ना, वो लोग प्रॉफिट में इतना ज्यादा डूब गए कि उन्होंने कुछ एक लिमिट्स जो होती है ना उनको भी उन्होंने क्रॉस कर दिया, ठीक है। कई सारी न्यूज हमने ऐसे पढ़ी थी जिसमें यहाँ पे आपने सुना होगा कि एक पेशेंट को शायद बांध भी दिया था बेड पे कि आप लेके नहीं जा सकते, ठीक है। और शायद वॉयलेंस भी हमें कई जगह पर देखने को मिली थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसी अपॉर्चुनिटीज का फायदा ना उठाकर कह सकते ना आप कि हद से ज्यादा ना चार्ज करें, ब्लैक मार्केटिंग ना करें ऐसी, और होर्डिंग ना करें, ठीक है। तो इन इन ब्लैक प्रैक्टिसेस, इन माल प्रैक्टिसेस को कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है एक नया लॉ लेकर आने की बात कर रही है जिसका नाम है पब्लिक हेल्थ एक्ट, वो रखने की बात कर रही है, ठीक है। तो कमिटी ने बताया कि नेशनल लेवल का ये लॉ होगा, ठीक है। इसमें लीगल प्रोविजंस भी डाले जाएंगे, ठीक है, गवर्नमेंट को हेल्प करने के, सपोर्ट करने के लिए कि अगर कोई मान लीजिए कोई इरेगुलरिटी हमें देखने को मिलती है इनके अगेंस्ट में, इन प्रोविजंस के अगेंस्ट में, तो उनके लिए हम जो है इनको लीगल बैकिंग भी इनको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस ऑब्वियसली रखे जाएगा ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वो लोग रेगुलेट कर सकें, ठीक। और इन्होंने अवेयरनेस कैंपेन चलाने की बात कही है कि आप लोग जो है लोगों को अवेयर करें ताकि वो लोग पैनिक बाइंग जो होता है आपका उनकी ना उनकी उसमें ना उस एक्सरसाइज में ना जुड़ जाए वो लोग, क्योंकि आपने सुना होगा कि कभी कभार मान लीजिए कोई एक न्यूज, एक ह्यूमर या फिर आप कह सकते हैं कोई मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन एकदम से चल जाए, ठीक है, तो लोग क्या हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, उनको लगेगा कि नहीं भाई चलो जल्दी से जितना मिल रहा है उतना सब कुछ आप लोग एक्सपेंसिव ड्रग्स को आप लोग रख लीजिए अपने पास कि हम लोग इसको यूज़ करेंगे ऐसे करेंगे, ठीक है। तो पैनिक बाइंग वो हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट प्रोएक्टिव रहते हुए अवेयरनेस कैंपेन चलाया जिससे कि लोगों को अवेयर रखा जा सके कि आप लोग जो है इन प्रैक्टिसेस में ना इन्वॉल्व हो, ठीक है। और द कमिटी रेकमेंड्स दैट अ सेपरेट विंग मे बी फॉर्म इन द NDMA, आपने सुना होगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, ठीक है। तो इसमें एक अलग से विंग बनाने की बात कही गई है जिसमें वो विंग जो होगा वो आपका पर्टिकुलरली ये जो पैंडेमिक जैसा आपका अभी आया हुआ है कोविड 19 वाला, ठीक है, ऐसे जो आपके पैंडेमिक्स होंगे या फिर ऐसे कोई हेल्थ क्राइसिस जो होंगे तो उनसे ही डील करने के लिए स्पेशल विंग को जो है बनाया जाएगा, ठीक है। और दिस विंग में टेक अ लीडिंग रोल इन बिल्डिंग अ पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट विद द पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेट्स NGOs एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो इस विंग से एक एम उनका ये भी होगा कि गवर्नमेंट और बाकी के जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि आपके पब्लिक सेक्टर हो गया आपका कॉर्पोरेट्स NGOs, इन सब के साथ जो है गवर्नमेंट की एक हेल्दी पार्टनरशिप बनाई जा सके, एक हेल्दी पार्टनरशिप एक जो है बिल्ड करी जा सके, ठीक है। तो एक जो एम होगा वो इस विंग का ये भी होगा, ठीक है। तो और क्या क्या जो है पैनल सिलेक्शन दिए हैं, ठीक है, एक आपका हो गया हैव रेगुलेटरी ओवरसाइट इन ऑल हॉस्पिटल्स, ठीक है, मतलब रेगुलेशन हॉस्पिटल्स का, ठीक है, जिसमें कि आपने अच्छा वैसे ये भी था एक कि ना जिन पेशेंट्स के पास इंश्योरेंस क्लेम था उनमें भी ये था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए मना कर दिया था कि आप लोग जो है इंश्योरेंस का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, ठीक है, ऐसा मना कर दिया गया प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा, ऐसी न्यूज़ आई थी, ठीक। तो क्या था, गवर्नमेंट ने फिर ये बात भी रखी, पैनल ने ये बात भी रखी क्या है कि हम एक ऐसा रेगुलेटरी चैनल एक गाइडलाइन लेकर आएंगे जिससे कि हम लोग ये इंश्योर कर सकें कि जो इंश्योरेंस क्लेम्स हैं वो एक्सेप्ट किए जाएँ, ठीक है, अगर कोई जेन्युइन इंश्योरेंस क्लेम है तो उसको डेफिनेटली एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। और कोविड-19 का जो ट्रीटमेंट है उसको कैशलेस किया जाए, जिन लोगों के पास इंश्योरेंस कवरेज है, जिन लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है, उनका जो कोविड-19 का जो ट्रीटमेंट है वो कैशलेस किया जाए, ठीक है। फॉर्म अ सेपरेट विंग इन द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक अलग से विंग बनाने की बात की गई NDMA में,
ठीक है, जिससे कि हम ऐसे ही जो पैंडेमिक आपके सिमिलर अगर आगे कोई आता है, कोई भी ऐसे हेल्थ क्राइसिस आता है, तो उनको आसानी से डील किया जा सके, उनको टैकल किया जा सके। ठीक है, एंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एट द ग्राउंड लेवल। ठीक है, अगर आप कोई भी कानून बनाते हो, सबसे जो मेन चीज़ की रह जाती है ना, आप कितना भी अच्छा कानून बना दीजिए, अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, अगर ग्राउंड लेवल पर उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, कोई भी फायदा नहीं होगा अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो। ठीक है, तो ऐसे मैकेनिज्म भी आप जरूर रखिए कि जिससे कि ये इंश्योर किया जा सके कि हाँ, ये जो आपके प्रोविजन आपने बनाया है, ये कानून आपने जो बनाया है, ये सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर कुछ एक्शन लीजिए जिससे कि इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, और जो नॉन कम्प्लाइंट लोग हों उनको पनिश भी करा जा सकता है ऑब्वियसली। ठीक, तो एंश्योर स्टेट डिलीवर्ड ड्राई राशन अलाउेंस टू चिल्ड्रेन डिप्राइव्ड ऑफ मिड डे मील। ठीक है, तो अभी पैंडेमिक आया, लॉकडाउन हुआ, और लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, इनकम कम हो गई, कंजप्शन कम हो गई, जिसके बाद जिसकी वजह से क्या हुआ, आपके हंगर पॉवर्टी ये सब जो है एकदम से बढ़ गया। ठीक है, तो लोगों के पास इनकम नहीं है तो लोग जो है अपनी जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं उनको भी पूरा नहीं कर पाते लोग। ठीक है, तो ये भी बात की गई कि आप ये लोग इंश्योर करें कि लोगों के पास ड्राई राशन जो है वो पहुंचा जाए, और जिन बच्चों से मिड डे मील हटा, क्योंकि आपको तो स्कूल बंद हो गए, और स्कूल्स में ही आपका मिड डे मील दिया जाता था बच्चों को। ठीक है, तो स्कूल सारे बंद हो गए तो मिड डे मील बच्चों को नहीं मिल पाया, तो कहीं ना कहीं वो माल न्यूट्रिशन में चपेट में आने के पूरे पूरे वो हो गए। ठीक है, हंगर में आने के वो पूरे पूरे पास आ गए। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोग आ भी गए हो, आए भी हैं। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में डाटा जो निकल के आएगा आपका, वो देख लीजिए, उससे पता लग जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी जो है इंश्योर करें कि उनके पास ये चीज़ें पहुंचे, और जिन बच्चों को ये मिड डे मील जो डिप्राइव हुए उनको अलाउंसेस दिया जाए। ठीक है, और सेकंड आर्टिकल आपका सस्पेंशन ऑफ आईबीसी एक्सटेंडेड टिल मार्च 21। ठीक है, अभी आईबीसी आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जो आपका आईबीसी जो आपका सस्पेंशन हो रखा था ना, कि पैंडेमिक आने के बाद जिन लोगों ने डिफॉल्ट में लोन्स पे किया था, उन पे आईबीसी प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड किया गया था कि आप जो है आईबीसी की प्रोसीडिंग इनके ऊपर नहीं चला सकते। ठीक है, क्योंकि पैंडेमिक में जब लॉकडाउन लगा तो फिर से वही बात आ जाती है कि रोजगार लोगों के पास नहीं रहा, इनकम नहीं रही, ठीक है, कंजप्शन बिल्कुल भी नहीं रहा। ठीक है, सबसे बड़ा इनकम इनकम नहीं रही, तो वो लोग अपने लोन को कैसे वापस कर पाते, नहीं कर पाते। ठीक है, ऑब्वियसली बात नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस वजह से क्या किया गवर्नमेंट ने कि आईबीसी पर सस्पेंशन लगा दिया कि आप जो है अभी किसी भी डिफॉल्टर के खिलाफ आप लोग जो है आईबीसी की प्रोसीडिंग नहीं चला सकते। ठीक है, लेकिन अगर पैंडेमिक पहले किसी का था, कोई डिफॉल्ट कर रहा था, तो उसके ऊपर जो है वो चलेगा, जैसे वो चलता नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में चलता, तो वो वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अब क्या किया कि ये जो सस्पेंशन था इसको बढ़ाकर मार्च 31 तक कर दिया है। ठीक है, मार्च 31, 2021 तक इसको बढ़ाकर कर दिया है। ठीक है, द मिनिस्टर स्टेटमेंट सेटल्स अ मेजर अनसर्टेनिटी फेसिंग बिजनेसेस सिंस द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑर्डर टू गिव द इंसॉल्वेंसी कोड इन एबेयंस वाज ड्यू टू एक्सपायर ऑन डिसंबर 25। बहुत सारे बिजनेस आपके जो थे वो अभी मतलब टेंशन में थे, बहुत सारे आपके बिजनेस जो थे टेंशन में थे। टेंशन में क्यों थे, वो टेंशन में इस वजह से थे कि वो सोच रहे थे कि भाई दिसंबर 25 को तो ये सस्पेंशन हट जाएगा, उसके बाद क्या होगा, हम तो लोन वापस कर नहीं पा रहे, हम कर भी नहीं पाएंगे शायद नियर फ्यूचर में भी, कुछ कुछ और टाइम तक, 1-2 महीने तक, तो क्या होगा हमारे ऊपर, तो आईबीसी की प्रोसीडिंग चल जाएंगी। ठीक है, आपको पता है काफ़ी स्ट्रिंजेंट प्रोसीडिंग्स होती हैं अगर कोई अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो। ठीक है, तो इस टेंशन में थे, तो अब ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन आया है तो इससे कहीं ना कहीं उनको राहत मिलेगी। ठीक है, ऑल डिफॉल्ट्स अराइजिंग ऑन और आफ्टर मार्च 25, आपको पता है मार्च 25 को हमारे देश में लॉकडाउन लगाया गया था। ठीक है, तो जो भी डिफॉल्ट आपके मार्च 25 या मार्च 25 के बाद जो आपके डिफॉल्ट हुए हैं उन पर जो है ये जो आपका सस्पेंशन है आईबीसी का, ये लगा रहेगा 31 मार्च तक अगले साल के। ठीक है, द मिनिस्टर सेड द एंटायर ईयर हैज हैड द आईबीसी सस्पेंडेड राइटफुली सो बिकॉज एवरी इंडस्ट्री हैज गॉन थ्रू मेजर स्ट्रेस बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एंड नोबडी कुड बी ड्रॉन टुवर्ड्स द इंसॉल्वेंसी। ठीक है, तो वही बात हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा, यही बात उन्होंने कही कि पूरा साल जो है वो आईबीसी को सस्पेंड रखा गया। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरा साल ही हो गया ना, क्योंकि मार्च में लगा दिया गया था 3rd महीने में, बाकी के तो पूरा साल ही आप मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि सही भी हो रही है, क्योंकि आपको पता है सारे सेक्टर स्ट्रेस में आ गए। ठीक है, अगर कोई सेक्टर नहीं बचा जहाँ पर स्ट्रेस ना हुआ हो उस पैंडेमिक की वजह से, क्योंकि इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन बहुत देखा गया, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत देखा गया बड़े लेवल पे। ठीक है, तो सही भी है कि अगर आप एक हेल्थ क्राइसिस की वजह से अगर अगर कोई मतलब किसी की कोई गलती है नहीं इसमें, ठीक है, किसी सेक्टर की कोई गलती नहीं है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो जिसको उनको प्रोटेक्शन देनी ही चाहिए। ठीक है, कोई गलत काम हमने नहीं किया आईबीसी को सस्पेंड करके, और अगर जरूरत पड़ी है तो इसी से हमने इसको आगे एक्सटेंड भी किया। ठीक है, तो यही उनका कहने का मतलब था। ठीक, तो अब आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है क्या, एक हल्का हल्का देख लीजिए आप।
ठीक है, 2016 में इसको अनेक्ट किया गया था, ठीक है। और एक इनका सिंगल लॉ लाने का इनका एक एम था कि आप इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्टसी के लिए एक सिंगल लॉ लेकर आए, ठीक है। जैसे अभी गवर्नमेंट ने कहा है ना कि वो लेबर, जब जितने भी आपके लेबर लॉ हैं उन सबको वो मतलब एक या दो में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इस यही जो इनका था आईबीसी को लाने का भी यही कारण था, ठीक है। तो 2 अक्टूबर में लाया गया, 2015 में जैसे यहाँ पे पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हो गया, उसके बाद प्रेसिडेंट के भी इसको असेंट दे दिए गए, दोनों नॉर्मल सी बात है। तो ठीक है, जब पास हो ही गया तो यही सब कुछ हुआ होगा, लेकिन पहले लोकसभा में आया था, ठीक है। और द बैंकरप्टसी कोड इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी व्हिच प्रीवियसली वाज अ लॉन्ग प्रोसेस दैट डिड नॉट ऑफर एन इकोनॉमिकली वायबल अरेंजमेंट, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि आपका ये बैंकरप्टसी और या इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसेस होता है ना, बहुत लंबा होता था, बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता था। तो अब क्या क्या इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया, ठीक है। अब एक ही कोड ले आए गए, एक ही कोड ले आए कि भाई इसी से होगा, इसी में आपके सारे आपको समाधान मिल जाएंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको हम जल्दी जल्दी करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और आईबीसी में आपका ये भी है कि स्मॉल इन्वेस्टर्स जो हैं उनका उनके इंटरेस्ट को बचाने का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है, ठीक है। और आपके लिए अलग अलग क्रेडिटर्स के लिए अलग अलग इसमें नियम्स बनाए गए हैं, इंडिविजुअल के लिए अलग है, कंपनीज के लिए अलग है, पार्टनरशिप फॉर्म्स के लिए अलग है, ठीक है। तो कंपनीज के लिए क्या है कि 180 डेज में जो आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो कि आपका 90 डेज एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। मतलब 180 डेज इसमें लिमिट लगाई गई है, लेकिन अगर बाकी लोग सब कुछ एग्रीमेंट हो जाता है तो 90 डेज तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और स्टार्टअप स्मॉल कंपनीज और बाकी कंपनियों के लिए ये जो आपका टाइम टाइम है आपका, ये आपका 90 डेज का है, ठीक है। और एक्सटेंड इसको किया जा सकता है आपका 45 डेज तक, ठीक है। आपका नेक्स्ट आर्टिकल आपका नेपाल इन टर्मोइल, ठीक है। कल वाले हमने वीडियो में देख के देखा था कि जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की रिकमेंडेशन दे दी, और उसको जो है वहाँ की नेपाल की प्रेजिडेंट जो है विद्या देवी भंडारी, उन्होंने भी इसको अपना अपनी मंजूरी दे दी है, उन्होंने अब 2 फेज इलेक्शन करवाने की बात की है, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ है कि अब आपको पता है नेपाल एक बिल्कुल नई नई डेमोक्रेसी है, ठीक है। 2015 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना, 2008 में जो है ये लोग मोनार्की से एक वो बने, आपका एक डेमोक्रेसी बने, ठीक है। तो अब एक नई नई डेमोक्रेसी है। तो अब ये क्या है कि इस डिसीजन की वजह से क्या हो गया, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया, ठीक है। संवैधानिक क्राइसिस वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, प्रोटेस्ट भी आपको देखने को मिल ही रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसा है क्यों, ठीक है। आपको पता है मिस्टर ओली हुज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विद द 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट टू द ड्रास्टिक स्टेप एज ही केम अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम हिज ओन पार्टी, ठीक है। तो 2/3 मेजोरिटी उनके पास थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा बताया, उन्होंने फिर भी ऐसा डिसीजन लिया कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए, फ्रेश इलेक्शन करवाया जाए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि ऑर्डिनेंस था तो ये लोग पास नहीं करवा पाए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि एंड आपका जो पार्टी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, इसमें आपके फैक्शन बने हुए हैं, एक आपका है केपी शर्मा ओली जी का, और सेकेंड आपका फैक्शन फैक्शन है जो आपके मिस्टर प्रचंड जिनको हम कहते हैं, ठीक है, पुष्प कमाल जो थे आपके, पुष्प कमाल दाहाल, ठीक है। तो ये दो फैक्शन बने हुए हैं, तो इनमें जो आपका मिस्टर प्रचंड का जो फैक्शन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके फेवर में लो, इनके फेवर में जो आपके सारे एमपीज हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्डिनेंस जो है आपका पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया, ठीक है। इसकी वजह से प्रेशर में आ गए बहुत ज्यादा मिस्टर केपी शर्मा ओली, ठीक है। और काफी उनको प्रेशर डाला गया कि ये जो ऑर्डिनेंस है इसको विड्रॉ कर लिया जाए, उसके बाद उन्होंने विड्रॉ कर भी लिया, लेकिन कैबिनेट ने फिर एक अनएक्सपेक्टेड मूव खेला जिससे कि उन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की बात कर दी, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैव चैलेंज द लीगैलिटी ऑफ मिस्टर ओली डिसीजन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इसमें उठ के आ गया, ठीक है। एक ऐसा लोगों ने प्रश्न उठाए, एक्सपर्ट्स जो आपके वहाँ के हैं उन्होंने प्रश्न उठाए हैं कि ये जो है ये आपका जो डिसीजन है ये आपके संविधान के अगेंस्ट में जाता है, ठीक है। संविधान में जो आपके प्रावधान है उनके अगेंस्ट में जाता है। कैसे जाता है कि आपके वहाँ के जो नेपाल का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि एक हाउस का डिसोल्यूशन, एक हाउस मतलब पार्लियामेंट का जो डिसोल्यूशन है वो 5 साल से पहले केवल जब जब ही पॉसिबल हो सकता है, अगर वहां पर एक हंगा असेंबली है। मतलब हंगा असेंबली का मतलब सबको पता है, जब किसी एक पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं होती तब उसको हंगा असेंबली बोलते हैं। मतलब पार्लियामेंट जब गवर्नमेंट बनने के लिए कोई भी अपना दावेदारी नहीं पेश कर पाता, किसी के पास भी बहुमत नहीं होता, तो उसको हम हंगा असेंबली बोलते हैं, ठीक है। अगर हंगा असेंबली है तो ही वहां पर जो है एक डिसोल्यूशन हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी जो है पार्लियामेंट डिसॉल्व करने की बात की गई, तो इसी वजह से जो है जो आपके संवैधानिक एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों ने इसको
इस पे जो है उंगलियां उठाई हैं इस डिसीजन पे। ठीक है, अब जो है सुप्रीम कोर्ट पर ये डिसीजन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है उसको डिसाइड करेगा वहां का। ठीक है, वेन मिस्टर ओली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल एंड इट्स अलायंस पार्टनर केम टू पावर 2017। आपको पता है 2017 में जो है आपके इलेक्शन हुए थे जब इनकी पार्टी पावर में आई थी। ठीक है, मेजोरिटी काफी ज्यादा थी और फिर आपके मतलब कोलिशन बना। ठीक है, और फिर आपकी जो उनकी पुष्प कुमार दहाल की जो पार्टी थी उन्होंने जो है इनके साथ एक कोलिशन बनाया। ठीक है, उसके बाद ये जो है मतलब इन दोनों का कोलिशन बन गई और एक बहुत अच्छी मेजोरिटी इनके पास पूरी गैदर हो गई। ठीक है, लेकिन बेशक इनका कोलिशन बन गया, इनका मर्जर हो गया, लेकिन फिर भी इनके बीच के जो डिफरेंसेस थे ना, जिनके बीच में विचार जो अलग अलग थे, वो सॉल्व नहीं हो पाए। ठीक है, वो आपके सॉल्व नहीं हो पाए, जो हम आज भी देख रहे हैं कि इनके बीच में अभी भी बहुत तनातनी चलती रहती है। लास्ट टाइम मैंने आपको कल भी बताया था कि लास्ट टाइम इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट देखा गया था, वो देखा गया था जब नेपाल का नया मैप पब्लिश करवाना था। ठीक है, पार्लियामेंट ने जो पास करवाना था नेपाल का नया मैप। ठीक है, तो जब इनमें लास्ट टाइम जो है एग्रीमेंट देखने को मिला था, वरना ये लोग जो है काफी सालों से और अभी मैप पास करवाने के बाद भी ये लोग जो है अपने विचारों पर एकमत नहीं हो पाते, एग्री नहीं हो पाते दूसरे के विचारों से। ठीक है, इनमें काफी ज्यादा तनातनी हमेशा चलती रहती है। ठीक, इन रिसेंट मंथ्स देर वर कॉल्स फ्रॉम विद इन द एनसीपी फॉर मिस्टर ओलीस टू स्टेप डाउन। ठीक है, आपको पता है कि पार्टी के अंदर ही एक क्राइसिस होने लग गया था, वहीं पे ही गवर्नमेंट की जो पार्टी है उसके अंदर ही क्राइसिस होने लग गया था, जिसके बाद आपके चाइना की जो ब्रांड चाइना की जो आपकी सॉरी ब्रांड एम्बेसडर नहीं, जो आपकी चाइना की एम्बेसडर थी नेपाल में, उन्होंने जो है इसमें इंटरवीन किया और उन्होंने गवर्नमेंट गिरने से बचाया। ठीक है, इस बात को लेकर काफी ज्यादा इंटरनेशनल अटेंशन इस बात को दी गई थी, ये कि ये शो करता है कि चाइना चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का कितना बड़ा रोल है अभी नेपाल में। ठीक है, कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस में अभी है नेपाल चाइना के। ठीक है, तो अब उनपे कहा गया कि अब रिजाइन कीजिए। ठीक है, उसके बाद ऑर्डिनेंस निकालने के लिए भी कहा, तो इंटरनल सपोर्ट उनके पास हट ही गया। ठीक है, तो अब क्या किया मिस्टर ओली ने, रिजाइन तो नहीं किया लेकिन गवर्नमेंट को डुबाने का कर दिया कि भाई मैं डूबूंगा सब डूबेंगे, ठीक है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो इस वजह से पार्लियामेंट रिजोल्व करने की इन्होंने बात रख दी। ठीक है, तो अभी ये इतना कुछ हो गया, तो कहीं ना कहीं अब स्प्लिट जो है पूरा पूरा नजरों में आ चुका है कि हो सकता है अब जो पार्टी जो अब मर्ज होके बनी थी इसमें स्लिप स्प्लिट हो जाए अब डायरेक्टली। ठीक है, और ये जो आपके फैक्शन है ये अपनी अलग अलग पार्टी बना ले। ठीक है, और अगर इलेक्शन होते हैं तो अलग अलग तरीके से लोग जो है इलेक्शन लड़े एक दूसरे के अपोनेंट बन के। ठीक, अब बात करेंगे वायरस वेरियंट के बारे में। ठीक है, वायरस आपको पता है कौन सा वायरस जो आजकल बहुत चल रहा है, वो आपका कोरोना वायरस SARS-CoV-2। ठीक है, तो अब क्या है आपको पता है बहुत कुछ चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, न्यूज़ में चल रहा है और न्यूज़पेपर में चल रहा है, हर जगह चल रहा है कि अब यूके में जो है कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन हमें देखने को मिल रहा है जो कि 70% ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। ठीक है, और इसके बाद जो है बहुत सारे देशों ने यूके से अपनी फ्लाइट्स को भी आना भी और जाना भी बंद कर दिया है। ठीक है, इंडिया ने भी ये 31 दिसंबर तक ऐसा कर दिया है। तो अब ये जो नया आपका वेरिएंट आया है तो इसको बहुत ज़्यादा डेडली बताया जा रहा है कि ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और ज़्यादा लोगों को इफेक्ट करेगा। ठीक है, ऑन सैटरडे यूके इम्पोज स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस इन ग्रेटर लंदन, तो वहाँ पे अब यूके में तो लॉकडाउन भी लगाने की बात की गई है, रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने तो ये भी कहा है कि क्रिसमस जो इस बार का है उसको आप लोग अपने घरों में ही सेलिब्रेट कीजिए। ठीक है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को गैदरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अब आपकी म्यूटेशन हुई। ठीक है, म्यूटेशन होने के बाद इसको बताया गया है कि 70% मोर ट्रांसमिसिबल, मतलब 70% ज्यादा अब ये जो है ट्रांसमिट हो रहा है, 70% ज्यादा ये जो है फैल रहा है। बट दिस इज येट टू बी कंफर्म इन लैब एक्सपेरिमेंट, लेकिन अभी इसके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इसमें प्रूव नहीं हुआ है, साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास इसका नहीं है। ठीक है, और आपका इसमें यह भी कहा जा रहा है कि बेशक जो है इसमें म्यूटेशन देखने को मिला, स्पाइक प्रोटीन आपको पता है ना कि आपका कोरोना वायरस की जो शक्ल थी वो आपकी गोल गोल थी। ठीक है, आपकी ऐसी देखिए बना के दिखाता हूँ, ऐसी थी। ठीक है, इसमें स्पाइक्स निकले हुए थे, तो ये जो आपके स्पाइक ये जो है ना इसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। ठीक है, इनमें जो है म्यूटेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है कि बेशक म्यूटेट हो गया हो, लेकिन जो वैक्सीन आपकी वहाँ पे अप्रूव कर दी गई है या फिर कोई और वैक्सीन जो हमारी दूसरे देशों में जो अप्रूव कर दी गई है, ठीक है, ऐसा कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है जो ये साबित करे कि
कि इन वैक्सीन, इस वैक्सीन का असर इस म्यूटेटेड स्ट्रेन पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जो आपकी नई वैक्सीन है, ये इस म्यूटेटेड कोरोना वायरस को जो आपका न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे, ऐसे कोई एविडेंस हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन ऐसा जरूर है कि अगर म्यूटेशन हद से ज्यादा होते ही रहे होते ही रहे होते ही रहे, तो कहीं ना कहीं हमें वैक्सीन में थोड़ी बहुत ट्वीकिंग करने को देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चेंजेस जो है हम कहीं होते हुए देख सकते हैं वैक्सीन के अंदर। ठीक है, द इमरजेंस ऑफ द न्यू वेरियंट अंडरलाइंस द कंपल्शन टू अंडरटेक सर्वेलेंस फॉलोइंग वैक्सीनेशन टू ट्रैक वैक्सीन इफेक्टिवनेस एंड टू लुक फॉर द अपीयरेंस ऑफ वैक्सीन एस्केप म्यूटेंट्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब सर्वेलियंस और मॉनिटरिंग की जरूरत बढ़ गई है। ठीक है, अगर आप किसी को वैक्सीन देते हैं तो उसका आप इफेक्ट जरूर देखिए। अगर आप किसी म्यूटेटेड स्ट्रेन वाले पेशेंट को वैक्सीन देते हैं तो उसका इफेक्ट आपको जरूर मॉनिटर करना चाहिए कि क्या इफेक्ट इसका जो है उस पर्सन पर पड़ा। ठीक है, और आपका नेक्स्ट है की स्टेप्स टू गेट दिस स्पेक्ट्रम ऑप्शन राइट। ये आपका है, आपकी जो स्पेक्ट्रम की जो ऑप्शन जो गवर्नमेंट ने कहा है कि वो लोग करवाएंगे अब। ठीक है, उससे रिलेटेड आपका ये आर्टिकल है। ठीक है, द यूनियन कैबिनेट हैज क्लियर द मच अवेटेड ऑप्शन ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम इन वेरियस बैंड फॉर कमर्शियल मोबाइल सर्विस। आपको पता है कि उसमें पहले न्यूज आई थी अखबार में, न्यूज पेपर में, कि जो गवर्नमेंट है उसने अब स्पेक्ट्रम के ऑप्शन का जो उनका प्लान है उसको क्लियर कर दिया है। अब जो है वो ऑप्शन करवाने की बात कर रही है। ठीक है, ऑप्शन जो है करवाई जाएगी। ठीक है, तो अभी आपकी लास्ट ऑप्शन जो हुई थी वो आपकी 2016 में, 4 साल पहले। ठीक है, अब आपकी ऑप्शन करवाई जाएगी। ठीक है, उसमें आपके अलग अलग बैंड्स के स्पेक्ट्रम जो है आपके ऑप्शन के लिए अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो अब जो आपके टेलीकॉम, आपके जो टेलीकॉम कंपनीज है जो आपकी, वो जो है इनको इन स्पेक्ट्रम्स को बाय कर सकती हैं, जिससे कि अपनी वो लोग नेटवर्क कनेक्टिविटी और नेटवर्क क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ है इश्यूज, उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट ने ऐसा हिसाब लगाया है कि जो स्पेक्ट्रम की जो ये ऑक्शन करने वाले हैं, इसके थ्रू वो लोग कहीं करीब करीब $50 बिलियन जो है गवर्नमेंट अपने इससे बना लेगी। ठीक है, $50 बिलियन। और लास्ट टाइम जब 2016 में जब ये ऑक्शन करवाई गई थी, तो गवर्नमेंट ने अज्यूम किया था कि वो $90 बिलियन जो है इससे अपने करीब करीब बना लेगी। ठीक है, बट जो वैल्यू जो रियल में उनको प्राप्त हुई वो ही आपकी ओनली 1/10 of $90 बिलियन। ठीक है, मतलब 1/10, मतलब $90 बिलियन इतना बड़ा अमाउंट, और उसका सिर्फ 1/10 ही जो गवर्नमेंट जो है अपना गैदर कर पाई, इतना कमा पाई। ठीक है, मतलब $9 बिलियन गवर्नमेंट को मिले, हाथ में आए जो इसके 2016 वाली ऑक्शन के बाद। ठीक, और हेंस द बाय 2016 ऑक्शन कुड बी कंसिडर्ड एज अ फेलियर फ्रॉम द ऑक्शनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। विल दिस ऑक्शन शेड्यूल्ड इन मार्च 2021 बी सक्सेसफुल। ठीक है, 2016 की ऑप्शन आपको कोई नंबर देख के बता देगा कि हाँ भाई अनसक्सेसफुल थी, फेलियर थी। ठीक है, अगर कोई सीओ आप ये बता देंगे ना कि भाई $90 बिलियन का गवर्नमेंट ने प्लान बनाया था लेकिन हाथ में आए $9 बिलियन। ठीक है, मतलब 10 गुना कम आए। ठीक है, तो कोई भी सुन के बता देगा कि भाई फिर तो फेलियर ही था। ठीक है, फिर तो क्या फायदा ही क्या हुआ ये कंडक्ट करवाने का। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये होता है कि ठीक है चलो 2016 में जो हुआ वो हुआ, अब जो हमारी नेक्स्ट ईयर मार्च में होने वाली है ऑप्शन, वो सक्सेसफुल होगी या नहीं। ठीक है, तो अब सक्सेस कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप लोग यूपीएससी में सक्सेसफुल हो रहे हो, तो उस पर आपके फैक्टर डिपेंड करते हैं, जैसे आपका डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क, आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये सब जो है चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो ऐसे ही इस जो आपकी स्पेक्ट्रम की ऑप्शन होती है, इस पर भी ये भी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड रहती है। ठीक है, सबसे पहली आपकी जो चीज़ है वो आपकी है रिजर्व प्राइस। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपकी है रिजर्व प्राइस। तो अब आपको पता है कि रिजर्व एक स्पेक्ट्रम डाटा बेस, मतलब एक रिसर्च की गई है जिसमें ये पाया गया था कि जो आपका रिजर्व प्राइस होता है ना, उसका पॉजिटिव रिलेशन होता है आपका विनिंग बिड प्राइस से। ठीक है, तो अब ये है कि इफ द क्वांटिटी इफेक्ट इज मोर देन द प्राइस इफेक्ट, देन इट रिजल्ट्स इन द रिड्यूस रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट एक्सपेक्टर एज इट हैपेंड 2016। ठीक है, तो अगर रिजर्व प्राइसेज जो है ज़्यादा रख दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है डिमांड इसी कम हो जाएगी। ठीक है, एक फैक्टर आपका ये हो गया, जिसकी वजह से जो चीज़ हमारी 2016 में हुई थी वही चीज़ जो है हम 2021 में होते हुए भी देख सकते हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो, अगर रिजर्व प्राइसेज को हाई रखा गया तो। ठीक है, सेकंड द विलिंगनेस टू पे बाय द टेलीकॉम्स डिपेंड्स ऑन द पोजीशन वाइज वीज ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, आपको पता है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आपके कौन कौन से, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, हॉटस्टार, ZEE5, फॉल्ट वाला जी, ये सब आपके क्या है ओटीटी प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो अब इनकी पोजीशन क्या है, वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है इन कंपेयर, अगर हम इससे कंपेयर करें तो टेलीकॉम प्लेटफॉर्म्स
तो आपके टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, टेलीकॉम जो कंपनीज है उनसे अगर हम कंपेयर करें तो, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये आपको जिनके सब्सक्राइबर होते हैं ना ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के, उन लोगों को एक फैसिलिटी ये लोग देते हैं जिसको हम बोलते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की एक फैसिलिटी जो है ये लोग देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से एक वाइडर शेयर ऑफ कस्टमर्स जो है इन लोगों को मिल रहा है, और टेलीकॉम आपके जो कंपनीज हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उनको इस चीज़ का फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। वो लोग जो है कहीं ना कहीं घाटे में जा रहे हैं, ठीक। तो अब यही बात है कि अगर उनकी पोजीशन सिक्योर नहीं है, उनकी पोजीशन अगर अच्छी नहीं है, तो वो लोग क्यों जो है डिमांड इतनी रखेंगे, ठीक है। खतरे वाली बात है ना उन लोगों के लिए तो, ठीक। लेकिन हाउएवर द इरोजन ऑफ द पोजीशन टेलीकॉम विज़ाविज़ ओटीटीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप इन द ओवरऑल डिजिटल वैल्यू नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड इन एप्स कुड रिजल्ट इन अ लोअर विलिंगनेस टू पे, ठीक है। आपको पता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे इतनी रेगुलेशन भी नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो हिडन प्लेयर्स के तौर पे अपने पूरा पूरा काम कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर पोजिशन सिक्योर नहीं है टेलीकॉम डिपार्टमेंट की, तो वो लोग जो है पे करने के लिए बहुत कम अपनी विलिंगनेस दिखाते हैं, ठीक है। थर्ड आपका एलोकेशन ऑफ अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम फॉर वाईफाई, ठीक है। अगर हम ये जो आपके अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम एलोकेशन है इसको अगर ज्यादा कर देंगे, तो कहीं ना कहीं जो डिमांड होगी ना लाइसेंस स्पेक्ट्रम की वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम को बढ़ाना है, ठीक है, वाईफाई के लिए, ठीक है। इसके अलॉटमेंट को जो है बढ़ाना पड़ेगा। फोर्थ इज विजिबिलिटी ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है। दैट विल बी अप फॉर ऑक्शन, दैट फॉर ऑक्शन। हैंड फोर्थ, देयर इज स्टिल अनसर्टेनिटी अबाउट द रिलीज ऑफ 26 गीगाहर्ट्ज बाई डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस फॉर मोबाइल सर्विसेज, ठीक है। अगर विजिबिलिटी ही नहीं देगी, अगर पता ही नहीं होगा कि कितने क्वांटम में जो है आपके स्पेक्ट्रम अवेलेबल है ऑक्शन के लिए, तो कहीं ना कहीं बिडर्स जो है वो इतने ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस दिखाएंगे नहीं ऑक्शन में, ठीक है। विद दिस लिमिटेड विजिबिलिटी द बिडर्स विल बी इन अ क्वाडरी वेदर टू अक्वायर द स्पेक्ट्रम नाउ और वेट फॉर सब्सिक्वेंट ऑप्शन, ठीक है। अगर विजिबिलिटी नहीं देगी, इनको पता नहीं होगा, ठीक है, कि क्या क्या आपका कितना क्वांटम, कितनी क्वांटिटी जो है स्पेक्ट्रम की वो अवेलेबल ऑप्शन के लिए, तो जो है उनके बीच उनके एक डिलेमा में वो लोग फंस जाएंगे जो आपके बिडर्स हैं, कि वो लोग जो है अभी इसको खरीदें या फिर इसके थोड़ा थोड़ा वेट करें, ठीक है। ओके, एक राइट प्राइस के प्रोविजन इसमें बताया गया है कि अगर मान लीजिए आपको पता है कि स्पेक्ट्रम्स जो है वो आपके पेरिशेबल स्कार्स रिसोर्स में उनको उनको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। किसमें? पेरिशेबल स्कार्स रिसोर्स में उनको कंसिडर किया जाता है, और उनको यूज नहीं किया जाता तो उनकी वैल्यू जो है वो आपकी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अब जो है आपको पता है COVID-19 की वजह से आपका वर्क फ्रॉम होम करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइम में आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी, इंटरनेट स्पीड, क्वालिटी, इन सब की इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक राइट प्राइस हमें रखना चाहिए, जिसकी वजह से जो आपके ब्लॉक्स हैं, जो आपके स्पेक्ट्रम है, उनकी ऑप्शन अच्छे से हो पाए, और कोई भी ब्लॉक आपका अनसक्सेसफुल मतलब अनसक्सेसफुल या फिर आपका अनसोल्ड ना रह जाए, ठीक है। अगर अनसोल्ड रह जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर से जो है 2016 की तरह ये आपकी जो ऑप्शन है ये फेलियर में हमें दिखाई देगी, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, कुछ रिकमेंडेशन हम देखते हैं जो हमारे राइटर ने आज दी है, ठीक है। रिविजिट ऑफ रिजर्व प्राइजेस, ठीक है। तो अगर अब रिजर्व प्राइसेस में आपको बताया प्रैक्टिस में हमारा पहला क्या था, रिजर्व प्राइसेस, ठीक है। तो रिजर्व प्राइसेस को आप लोगों को लोअर करना चाहिए, ठीक है, स्पेशली 700 MHz वाली, ठीक है, जो आपको पता है गोल्डन बैंड को कहा जाता है, ठीक है, जो आपकी कंट्री की हिंटरलैंड जो आपका होता है ना कंट्रीज के, उनको कवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। रिलीजिंग मोर अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम, ठीक है, बताया मैंने आपको वाईफाई नेटवर्क के बारे में बताया था कि हमें जो है एलोकेशन अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम की बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि वाईफाई नेटवर्क, वाईफाई कनेक्टिविटी हमारे पूरे देश में बढ़ सके, और जो पब्लिक वाईफाई की जो गवर्नमेंट अभी प्रोजेक्ट चलाना चाहती है वो भी होगा। अब सुना होगा पीएम वाणी करके एक प्रोजेक्ट आया था अभी कुछ दिनों पहले, न्यूज में आया था, पीएम वाणी आया था ना, पीएम वाणी, ठीक है। इसमें कहा था कि क्या नाम है, ये इंस्टॉल करवाने के लिए कोई भी लाइसेंस जगह पे हम इसको नहीं इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ये आपका जो आपकी जो जगह हो सकती है वो आपकी कोई सी हो सकती है, चाहे वो पनवाड़ी की दुकान हो चाहे कुछ और हो, ठीक है। तो पीएम वाणी करके ये आया था, ठीक है। तो इसको और सक्सेसफुल बनाने के लिए हम लोगों को अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम को और ज़्यादा एलोकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। देन विजिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, क्वांटम ऑफ स्पेक्ट्रम दैट कैन बी पुट ऑन टू द ब्लॉक, ठीक है। तो मतलब पता होना चाहिए बिडर्स को कि क्या नाम है, कितने ब्लॉक जो है ऑक्शन के लिए वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और नाउ दैट ओटीटी फॉर्म्स हैव बीन ब्रॉट अंडर रेगुलेशन द एम्बिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन
on broadcasting, the government should release guidelines on how they will be regulated and what will be regulated so that the telcos and OTTs can join hands. ठीक है, तो अभी तक क्या है कि आपको पता है कि OTTs जो है वो अपर हैंड उनके पास है. ठीक है, वो कहीं ना कहीं एडवांटेज में है अभी लोग. ठीक है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट से उनको हम लोग टेलीकॉम कंपनी से कंपेयर करें. ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने उसको अपने अंडर तो ले लिया, लेकिन अभी तक कोई गाइडलाइन ऐसी निकाली नहीं जिसमें वो लोग स्पेसिफाई कर सके कि क्या क्या कि वो कैसे इसको रेगुलेट करेंगे और किन किन चीज़ों को रेगुलेट करेंगे. ठीक है, तो इस चीज़ को जो है गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइंस निकाले ताकि एक जो है एक अंडरस्टैंडिंग दोनों चीज दोनों OTTs और टेलीकॉम कंपनीज के बीच में बन सके. ठीक है, ताकि वो लोग जो अपने हाथ मिलाएं, ठीक है, अपना भी फायदा देखें और जो आपकी पब्लिक है उनका भी फायदा देखें, कंज्यूमर्स का भी फायदा देखें. ठीक है, आपका नेक्स्ट आर्टिकल है ह्यूमन आर स्टिल कोर टू डिजिटल इंडिया. ठीक है, इसमें आपका हम बात करेंगे इंटरमीडिएट्स के बारे में. ठीक है, इंटरमीडिएट्स के बारे में बात करेंगे इसमें आपका. ठीक है, तो आपको पता है कि पैंडेमिक की वजह से हम लोग अपनी इंडिविजुअल नीड्स के लिए बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड होने लग गए. ठीक है, आपको पता है बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, फिक्स सारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई, बहुत सारे लोग जो फॉर्मल सेक्टर में करते हैं उनका काम घर से हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया. ठीक है, और बहुत सारे लोगों के मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है ऑनलाइन हो गई, बहुत सारे आपके गवर्नमेंट की सर्विसेज आपकी ऑनलाइन हो गई. ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी गवर्नेंस पूरी थी वो आपकी जो है अब ऑनलाइन आकर बैठ चुकी है. ठीक, तो अब क्या हुआ कि इस वक्त में जो आपकी ई गवर्नमेंट फाउंडेशन है और जो आपके आपटी इंस्टीट्यूट है उन्होंने एक एक मतलब उन्होंने एक सर्वे आप कह सकते सर्वे टाइप उन्होंने करवाया जिसमें उन्होंने ये पाया कि जो आपकी एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज़ हैं, जो आपकी डिजिटली एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज़ हैं, मतलब जो डिजिटली डिवाइडेड में जो आपके इन्फीरियर में आते हैं. ठीक है, तो ह्यूमंस ने उनमें एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया डिजिटल इंडिया में कि वो गवर्नमेंट के बीच में और सिटीजन्स के बीच में जो उनका एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट डेफिसिट है, उसको ब्रिज कर सके. ठीक है, उसको कम कर सके. ठीक है, इन इन इंडिविजुअल्स को इन लोगों को हमने क्या बोला, इंटरमीडिएटरीज. ठीक है, दीज इंटरमीडियरीज ऑफन वर्क्ड विदाउट एनी फॉर्मल बैकिंग एंड रोल. तो अब इनका काम क्या होता है, करते क्या है लोग. ठीक है, इंटरमीडियरीज हेल्प सिटीजन्स ओवरकम बैरियर्स टू अवेयरनेस. ठीक है, अब क्या करते हैं ये लोग, अवेयरनेस करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं. ठीक है, कि भाई आपके डिजिटल सर्विसेज आपके पास यही अवेलेबल है, आपके पास यही राइट्स अवेलेबल है, आपके पास यही फैसिलिटी अवेलेबल है. ठीक है, जिससे कि उनकी एबिलिटी बढ़ती है और जो उनका ट्रस्ट है ना वो गवर्नमेंट में ज़्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, गवर्नमेंट के प्रति उनके सर्विसेज उनका ट्रस्ट बढ़ जाता है, वो लोग जागरूक होते हैं कि वो लोग क्या क्या काम कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बैरियर आपको पता है कि किसी भी चीज़ की अगर हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो चाहे कुछ भी हो जाए हम उसमें कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, अगर किसी चीज़ को आपको सक्सेसफुल बनाना है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको पब्लिक डोमेन में लानी पड़ेगी. ठीक है, कोई भी अगर किसी इंसान के पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है ना, बिल्कुल करेक्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, तो जो है सब कुछ बढ़िया से चलता रहेगा, बिल्कुल स्मूथली चलता रहेगा. ठीक है, दीज बैरियर्स आर वर्स फॉर सिटीजंस हु आर मार्जिनलाइज्ड विद द पुअर वुमेन द एल्डरली एंड कास्ट एंड जेंडर माइनॉरिटीज बीइंग एडिशनली एडिसएडवांटेज. ठीक है, अब ये बैरियर्स आपके मान लीजिए, आपको मैंने बताया कि बैरियर्स आपके चाहे आपका डिजिटल डिवाइड हो, ठीक है, या कोई आपके एजुकेशनल बैरियर्स कुछ भी हो, आपका लिटरेसी बैरियर्स कुछ भी हो. ठीक है, ऐसे बैरियर्स जो है ना वो मार्जिनलाइज लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस प्रूव हो सकते हैं. ठीक है, चाहे वो आपके पुअर हो, वुमेन, एल्डरली, कास्ट एंड जेंडर माइनॉरिटीज़ हो, ठीक है, तो उनके पास ये एडवांटेज इनकी ज़्यादा बढ़ जाती है, डिसएडवांटेज इनकी ज़्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, तो ऐसे मौक़ों पर जो आपके इंटरमीडिएट्स होते हैं वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं. ठीक है, और उनको सपोर्ट करते हैं, उनको सही डायरेक्शन में लेके जाते हैं. ठीक है, और एक रिस्पॉन्डेंट ने तो ऐसा भी कहा था कि दीज पीपल हेल्प अस सी द गवर्नमेंट. ठीक है, इन लोगों ने हमें क्या मदद की, इन लोगों ने हमें सरकार को देखने को मदद करी, वरना उन लोगों को कह सकते कि सरकार है ही नहीं. ठीक है, उन लोगों तक तो कुछ पहुँच ही नहीं रहा. ठीक है, सरकार तो उनके लिए कुछ कर ही नहीं रही, लेकिन इन लोगों के आने के बाद उन्हें पता चला कि हाँ सरकार सच्ची में है, सरकार जो अपना काम कर रही है. ठीक है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये एक रिस्पॉन्डेंट के ही वर्ड्स हैं. ठीक है, एक रिस्पॉन्डेंट ये जो है ऐसा कहा है. इंटरमीडियरीज आर क्रूशियल ऑफलाइन आर्किटेक्चर दैट अनेबल द स्टेट टू डू इट्स वर्क बेटर. ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए अवेयरनेस बढ़ेगी, इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं जो स्टेट है वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा. ऑफलाइन इंटरमीडियरीज कैन डू बोथ पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल इंडिविजुअल्स और कलेक्टिव्स विद वेरिंग मोटिवेशन टू डू दिस वर्क. ठीक है, आपको पता है कि आपके जो इंटरमीडियट्स होंगे उनके पॉलिटिकल नेचर के हो सकते हैं और आपके ए पॉलिटिकल नेचर के भी हो सकते हैं. ठीक है, उनके जो वर्क करने का जो उनका मोटिव होगा वो अलग अलग हो सकता है. ठीक है, जो आपके ए पॉलिटिकल सोशल वर्कर होंगे वो अपना काम कैसे करेंगे, सर्विस के लिए, लोगों की सेवा के लिए. ठीक है, कि लोगों का भला हो जाए वो लोग तो इसी मोटिव से जो है करेंगे. लेकिन जो आपके पॉलिटिकल आपके इंटरमीडिएट्स होंगे वो क्यों करेंगे,
ताकि उन लोग जो वो है अपना जब का उनका वोटर बेस है, उनका जो वोटर बेस है उसको स्ट्रॉन्ग कर सके, ताकि आने वाले इलेक्शन में उन लोगों को फायदा हो सके। ठीक है, वो सर्विस के तौर पर उस काम को नहीं करेंगे। फिर कम्युनिटी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ सी देयर वर्क एज अलाइड टू देयर कोर वर्क। ठीक है, और बाकी जो आपके एनजीओ के जो आपके होते हैं वर्कर्स, जो आपके एक्टिविस्ट होते हैं, वो अपने काम को कैसे देखते हैं, इस वाले काम को वो लोग देखते हैं अपने कोर वर्क से रिलेटेड, कि ये काम जो है उनके एनजीओ के एम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वेरियस टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ इंटरमीडिएशन एमर्ज बेस्ड ऑन रीजनल सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, वन साइज फिट ऑल अप्रोच विल नॉट वर्क। ठीक है, अलग तरह के हमें जो है इंटरमीडिएशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकते हैं, जो आपके रीजनल हो, सोशल हो, कल्चरल एंड इकोनॉमिक हो। ठीक है, इट इज क्रूशियल टू थिंक अबाउट लेवरेजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमीडिएट्स। इक्वली इट इज एसेंशियल टू पे अटेंशन टू द वेरिंग इंसेंटिव ऑफ इंटरमीडिएट्स एंड नॉट रोमांटिसाइज द बेनिफिट्स। ठीक है, तो मतलब हमें इनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। ठीक है, और इनके जो इंसेंटिव जो हमें इंटरमीडिएट्स के हमें मिल रहे हैं, ठीक है, उन पर उनकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। वी नीड टू सी इंटरमीडिएट्स एज क्रूशियल टू द रियलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस आउटकम्स। ठीक, तो मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि गवर्नेंस आउटकम्स के लिए, ठीक है, जो है इनका रोल काफी ज्यादा क्रूशियल है। ठीक है, और ये जो है गवर्नेंस से इतने ही ज्यादा फंडामेंटल है जितने की स्विगी और ऊबर से आपके जुड़े हुए डिलीवरी एजेंट्स या फिर ड्राइवर। ठीक है, आपको पता है ऊबर आपकी टैक्सी कंपनी है, कैब उसमें आपके ड्राइवर्स का रोल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्विगी आपकी फूड डिलीवरी कंपनी है, उसमें आपके डिलीवरी एजेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही आपके गवर्नेंस के डिलीवरी के लिए आपके जो इंटरमीडिएट है उनका जो रोल है वो काफी ज्यादा फंडामेंटल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इंडिया हैज फॉर्मलाइज इंटरमीडिएशन इन ट्रेडिशनल मार्केट्स। आपको पता है इंडिया में इंटरमीडिएशन को फॉर्मलाइज कर दिया गया है। ठीक है, आपका म्यूचुअल फंड्स का आपने देखा होगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आती नहीं आइडिया वाली। ठीक है, सही है, तो फिर इंडिया ने इसको फॉर्मलाइज कर दिया गया है। ठीक है, तो वहां से जो है उसको जरूर सीख सकते हैं। इन दीज एरियाज फॉर्मल गवर्नेंस मैकेनिज्म स्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग वाइड स्प्रेड अवेयरनेस कैंपेन्स एंड प्रोसेस रीइंजीनियरिंग एनेबल ग्रोथ एंड यूसेज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि अब जो है हेल्थ केयर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जस्टिस एंड सोशल सर्विस, इन सब में क्या आपका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ गया है, आपका डिजिटलाइजेशन जो है इसमें बढ़ गया है। ठीक है, सब कुछ जो है अब क्या हो गया, डिजिटल हो गया। ठीक है, तो इन हालातों में, इन ट्रांजिशन में जो आपका इंटरमीडिएट का जो रोल है वो बढ़ जाता है, ताकि वो जो है सृजन में जागरूकता फैला सके। ठीक है, और जो उनके स्किल्स हैं उनको भी बढ़ा सके, उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ा सके। ठीक है, और जो कि गवर्नेंस उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो कि गवर्नेंस के फायदे हैं उनको लोगों तक पहुँचा सकें वो। ठीक है, मतलब रियल टर्म्स में वो लोग जो है गवर्नमेंट को देख पाए। ठीक है, जैसा एक रेस्पोंडेंट ने कहा था ना कि हम गवर्नमेंट को देख पाए, तो ऐसे ही जो है बाकी के लोग भी जो है गवर्नमेंट को देख पाए इन इंटरमीडिएट्स की हेल्प की वजह से। ठीक है, तो इनको जो है हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो नेक्स्ट आपका है कश्मीरी सेलिब्रेट चिलई कला। ठीक है, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो प्लीज करेक्ट मी। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, चिलई कला। ठीक है, तो पीपल इन द कश्मीर वैली आर फाइंडिंग यूनिक वेज टू सेलिब्रेट द स्टार्ट ऑफ चिलई कला। तो चिलई कला आपका है क्या? ठीक है, बेसिकली ये आपका 40 दिन का ही समय होता है जो आपका 21 दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इसमें कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक पल है जिसमें ठंड पड़ती है। ठीक है, बारिश आपकी जो स्नोफॉल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत इसमें बहुत लो हो जाता है। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा हार्श इसमें विंटर जो है देखने को मिलती है। तो इसको क्या हो जाता है, इसको चिलई कला कहा जाता है। ठीक है, 40 दिन का ये पीरियड होता है। ठीक है, ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि चिलई कलान आपने न्यूज़ में नाम सुना होगा, ये क्या है। ठीक है, तो उसको किसी भी बना के उसको ऑप्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि इस मौसम में जो आपके आपका जो है ना, मतलब एक आपके आइसिल्स जो इसमें फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, आपका आपके जो ड्रॉप्स है ना वो उसमें पूरी जम जाती है। ठीक है, दिखाते हैं, मतलब लोग इसको टूरिस्ट को दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, सेल्फी वेल्फी लेते हैं लोग इसमें आने के बाद, टूरिस्ट लोग आने के बाद। ठीक है, ये आपके इनको बोलते हैं। ठीक है, देखिए कैसे जमा हुआ है सब कुछ। अगर ह्यूमन की हाइट से देखें ना, ह्यूमन की हाइट से कंपेयर करें तो ह्यूमन की हाइट से भी लंबे लग रहे हैं ये तो मेरे को। ठीक है, नहीं तो कुछ बाकी के इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो आपकी है, मार्केट प्लंग ऑन न्यूज़ ऑफ म्यूटेंट वायरस। ठीक है, मतलब कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को मिला है म्यूटेंट वायरस की न्यूज़ की वजह से, जो आपका यूके में भी फैल गया है। ठीक है, नो फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम यूके टिल December 31। ये भी सेम म्यूटेंट वायरस रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर फैल रहा है, तो फिर बहुत सारे देशों ने जो है वहाँ से अपनी फ्लाइट्स को आवाजाही उनकी बंद कर दी। इंडिया ने भी ऐसे ही कर दिया December 31 तक। ठीक है, सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स बीइंग टेस्टेड फॉर नेवी यूज। सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट जो अमेरिका से परचेस करने की बात चल रही है,
ठीक है, तो उनका उनका जो टेस्टिंग है नेवी यूज़ के लिए वो की गई है आपकी यूएस में ही, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इनकी टेस्टिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इनकी कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे हैं इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ, चाहे वो आपका INS विक्रमादित्य हो या फिर जो आपका अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है INS विक्रांत, चाहे वो हो, ठीक है, क्योंकि उन पर भी आपको पता है आपके, ठीक है, क्योंकि उनसे ही जो है ये लोग अपनी उड़ान भरेंगे। तो इसी रिस्पॉन्स टू कंसर्न रेज बाय येचुरी, आपको पता है कि कुछ दिनों पहले आपके पोस्टल बैलेट का एक आया था कि ईसी ने जो है आपके इलेक्शन कमीशन ने लॉ मिनिस्टर को लिखा है कि वो लोग पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी को एक्सटेंड करके अब NRIs तक करवाना चाहते हैं, ठीक है। पर इसको जो इस पे आपके कंसर्न जो आपकी उठाई गई थी सीताराम येचुरी की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो है ये, ठीक है, तो ईसी ने इस पर रिस्पॉन्ड किया है कि जो आपके जो आपकी फैसिलिटी है पोस्टल बैलेट की, ये लोगों को फायदा देगी। एंड देन CBI गेट्स न्यू क्राइम मैनुअल आफ्टर 15 ईयर्स, CBI को एक नया क्राइम मैनुअल मिल गया है जिसमें नई नई डेफिनेशन, नए नई इंटरप्रिटेशन जो है, नई नई जुरिस्डिक्शन जो है अब नई डाल दी गई है इसमें, इंटरपोल से रिलेटेड भी इसमें नई बातें डाली गई हैं, ठीक है। GDP ग्रोथ लाइकली टू टर्न पॉजिटिव इन Q3, ठीक है, आपके NCIR ने ऐसा कहा है कि Q3 में जो है हम लोग पॉजिटिव ग्रोथ देख सकते हैं, ठीक है। 2 क्वार्टर में तो होगी नेगेटिव ग्रोथ, पहले में होगी 23.9, सेकेंड में होगी 7% के आसपास, ठीक है। तो अब क्या है कि यह कहा है कि Q3 में हम लोग 0.1% के पॉजिटिव ग्रोथ देख सकते हैं, और Q4 में 2% की हम पॉजिटिव ग्रोथ देख सकते हैं, ठीक है। तो यही सब था आज के न्यूज़पेपर में, अभी आपको सब कुछ समझ में आया गया होगा, सब कुछ आपका आर्टिकल्स में आपके एनालिसिस आपकी पूरी ढंग से आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब अचीव IAS एंड जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, थैंक यू।